गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रूप सिंह यादव काफी समय से अपने यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान एकेडमी से दूर था, बिकॉज मेरे घर में शादी थी और थोड़ा गवर्नमेंट के जॉब के कारण टाइम नहीं मिल पाया। तो ना दोस्तों, एमपीपीएससी का पेपर पास आ गया है, तो देश आज से कल से करंट अफेयर मैं कंटिन्यू कर दूंगा आपका। तो आज अपना टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश का ट्रांसपोर्ट, राइट। और ये एमपी का वो टॉपिक रहेगा जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। और हम अपने जो टॉपिक हैं आपको पढ़ाने वाला हूं, मध्य प्रदेश एक समग्र अध्ययन जो मेरी पुस्तक मार्केट में पब्लिश हो चुकी है और इसका जो रिस्पांस आया वो काफी शानदार आया, राइट। तो आज का अपन करंट इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आपको ये टॉपिक तैयार करना है। पहला जो नेशनल हाईवे आपके सामने ओपन हुआ है वो है आगरा से मुंबई, राइट। यानी हमें आगरा से मुंबई तक जाना है, और ये रास्ता आप कैसे तय कर सकते हो नेशनल हाईवे 3 को, आप ये समझ लीजिए, राइट। आगरा टू बॉम्बे कैसे जाएंगे, तो सबसे पहले आपको राज्य याद होना चाहिए कि किस राज्य से हमको जाना है, राइट। सबसे पहले आपको राज्य तैयार करना है, तो आगरा से हमें जाना कहाँ है, मुंबई। यानी कि मुंबई पहुंचने के लिए हमें दो राज्य और किस किस राज्य से जाएंगे, तो हमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और फिर हम मुंबई पहुंच सकते हैं, यानी महाराष्ट्र। तो हमारे जो नेशनल हाईवे 4 राज्य, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक गुजरता है रास्ता, राइट। अब ये रास्ता जिसको हम फॉलो करते हैं, तो सबसे पहले हम धौलपुर जाएंगे, देन मुरैना जाएंगे, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, राजगढ़ की तहसील ब्यावरा से होते हुए देवास, साजापुर, बड़वानी, पहले इंदौर पहुंचेंगे, देन बड़वानी, सेनवा जो तहसील है यहाँ की बड़वानी से, उसके बाद ये गए हैं महाराष्ट्र और ये अपना समाप्त हो जाता है। महाराष्ट्र के जिस जिले में एंटर करते हैं उस जिले का नाम है धुले जिला, राइट। और यहाँ का जो तहसील है वो है हमारी सिरपुर तहसील। याद ना, तहसील क्या है अपनी, सिरपुर तहसील है, और यहां से ये पहुंच जाता है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। अब चलते हैं अपन आगे, जो मेन पॉइंट देखते हैं, तो मुरैना और जो हमारा भिंड का एरिया है यहाँ पर सबसे पहले हमारा पड़ेगा चंबल घड़ियाल अभयारण्य। कौन सा, इन दोनों के मध्य में क्या है, चंबल घड़ियाल। ये जो अभयारण्य है बेसिकली 3 राज्यों में फैला है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी, राइट। यूपी में इसे इटावा तक बढ़ा दिया गया, राइट। कहाँ तक बढ़ा दिया गया है, इसे इटावा तक। डैम जो है हमारे मध्य प्रदेश में जो एमपी मुरैना और जो भिंड और राजस्थान में जो है हमारा धौलपुर का एरिया इस पर आता है, राइट। इसके बाद हम ग्वालियर का घाटी गांव अभयारण्य इसी पर बसा हुआ है जो सोन चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है। शिवपुरी का माधव नेशनल पार्क जिसे सड़कों का नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पर सुगरों की संख्या है, दूसरा सबसे ज्यादा वृक्ष घनत्व यहीं पर पाया जाता है। सांक्य राज्य सागर, यार सांक्य राज्य सागर जो है संगमरमर से निर्मित पहली समाधि यहाँ पर है, याद रखना। और कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे, मध्य प्रदेश की पहला मकबरा व्हाइट मार्बल वाला कौन सा है, राइट। तो संगमरमर जो मकबरा है वो है हमारा हुसंग शाह का जो मांडू में, जबकि समाधि जो है सांक्य राजे सागर की है, राइट। इसके बाद चलते हैं हम गुना, राइट। गुना में के बाद ब्यावरा, ब्यावरा जो है मध्य प्रदेश का चौराहा कहा जाता है, बिकॉज यहां से नेशनल हाईवे जो है 12 गुजरता है, नेशनल हाईवे 12 जो जबलपुर से लेकर हमारा जयपुर तक जाएगा, राइट। और ये जो नेशनल हाईवे है, इसके बाद साजापुर, मक्सिका इंडस्ट्रियल एरिया, देन देवास, सोनकच्छ होते हुए इंदौर गया है, इंदौर में राला मंडल इसी के पास पे पड़ता है, बड़वानी जाता है, देन सेनवा। सेनवा वो जगह है जहां मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होती है, ना एमपी गवर्नमेंट को जो सबसे ज्यादा राजस्व कहाँ से मिलता है, अपने यहीं से मिलता है, अपने एमपी गवर्नमेंट जो मैक्सिमम रेवेन्यू यहीं से लेती है, राइट। और ये जो है रीजन इसका क्या है, नेशनल हाईवे 6 इसको क्रॉस करता है। अब चलते हैं, ये जो है एमपी का 717 किलोमीटर, एमपी का सबसे लंबा नेशनल हाईवे 3 है। अब आपको एक नंबर याद करना है जिससे आप एमपी के लंबा दूसरा तीसरे में कभी दिक्कत नहीं आए,
344-12 याद रखना, क्या बोला हूं मैं, 344-12। ये कोड आप याद करेंगे, 344-12 कहने का मतलब ये है अपना कि कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, याद रखना कन्याकुमारी से श्रीनगर तक हमारा ये रास्ता जाएगा, राइट। और जे नेशनल हाईवे 44, अब साथ नहीं रहा एमपी का, दूसरा कौन सा नेशनल हाईवे बड़ा हो गया 44, साथ तो गुजरते ही नहीं है, राइट। 44 राइट, ये सेकंड नंबर पर बड़ा है। थर्ड नंबर पे आता है हमारा 12, राइट। तो एक कोड क्या रखेंगे अपन एमपी के पहले दूसरे के लिए, 344-12, राइट। दोस्तों ये जो है आपको ये पीडीएफ फाइल आपको मेरी वेबसाइट पर 2 दिन के बाद guruGyanClasses.com पर उपलब्ध रहेगी, जहां से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अपना गुरु ज्ञान क्लासेस के नाम से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। इसके बाद अब खोलते हैं नेशनल हाईवे 44 को, क्या खोल रहे हैं हम, नेशनल हाईवे 44 को। अब ये जो नेशनल हाईवे है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाएगा, यार अपना कहां से जाएगा ये, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। थोड़ा सा अपन छोटा कर दे फिर मिनिमाइज, जिससे आपको ये पूरा क्लियर दिखे कहां से जाएगा ये श्रीनगर से कहां तक जाना है हमें, कन्याकुमारी तक, राइट। तो थोड़ा बड़ा कर ले जिससे आपको वर्ड्स क्लियर हो, राइट। तो अब इसका पहला पॉइंट, ये देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे, याद रखना देश का जो है ये सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, याद रखना एमपी का जो है दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा है, और मध्य प्रदेश में जो है 504 किलोमीटर डिस्टेंस आती है, याद रखना एमपी में ये इसकी जो डिस्टेंस है 504 किलोमीटर है, राइट। देन इसके बाद जो है नेशनल हाईवे 44 पर 55 नेशनल हाईवे जुड़े हैं, या ना 44 का कितना करेंगे 55 नेशनल हाईवे जुड़े हुए हैं। ये जो नेशनल हाईवे है 9 राज्य से गुजरता है, या ना कितने राज्य से गुजरता है हमारा 9 राज्य, 10वां जो है धौलपुर से थोड़ा टच करते हुए निकला है ये, तो याद रखना, राइट। तो ये अपना 10 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से गुजरते हुए जाएगा। सबसे ज्यादा इसकी जो लंबाई है तमिलनाडु राज्य में है, याद रखना इसकी टोटल लंबाई कितनी है 37-45 किलोमीटर है, कितनी लंबाई है हमारी 37-45 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी सुरंग चेनानी निसारी, याद रखना दूसरी हो गई है, क्योंकि जोजिला जो है लद्दाख में वो बन चुकी है और वो सबसे लंबी सुरंग हो गई है, ये जो सुरंग है हमारी दूसरी सुरंग हो गई है, राइट। दूसरा पॉइंट है हम इसका रखेंगे चेनानी निसारी को हम पत्नी टॉप के नाम से जानते हो, ये एमपी की सेकंड सबसे बड़ी आपकी सुरंग हो गई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रखना है आप सबको याद, ये जो है हमारी सेकंड नंबर पे है। बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद ना कहाँ स्थित है बनिहाल दर्रा, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अब आते हैं अपन आगे, जम्मू कश्मीर के बाद अपन जाते हैं पठानकोट, देन पंजाब में कहां गया दूसरा राज्य कौन सा आ रहा है हमारा पंजाब, जालंधर और लुधियाना, यार मैं दो राज्य अपन के जम्मू पहले राज्य राज्य याद कराऊं तो यहां रखो, जम्मू जाओगे आप पहले फिर पंजाब जाना आपको, पंजाब के बाद हरियाणा है बगल में तो आप हरियाणा जाओगे, हरियाणा पे एनसीआर रीजन दिल्ली आ जाएगा, देन यूपी आ जाएगा, राजस्थान पहुंचोगे, देन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के नीचे कौन सा राज्य है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बगल में तेलंगाना, तेलंगाना के बगल में कौन सा है हमारा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के पास में कर्नाटक, कर्नाटक के पास कौन सा है हमारा राज्य तमिलनाडु, या ना कर्नाटक के पास कौन सा राज्य है तमिलनाडु है अपना, तो ये भी आप तैयार रखोगे, राइट। अब चलते हैं मेनली नीचे की ओर, अब हम एक एक पॉइंट खोलेंगे, तो हम जम्मू गए थे, जम्मू से श्रीनगर देन पठानकोट, राइट। अब आते हैं हमारा दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, पंजाब में जालंधर लुधियाना, हरियाणा से जो है हम एंटर करेंगे अंबाला कैंट, अंबाला देन करनाल और पानीपत, करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है तो वो भी आपको याद रखना है, पानीपत की लड़ाई के लिए ये प्रसिद्ध है एरिया, ठीक है। पहला प्रथम जो पानीपत का युद्ध है ये आपसे पूछ सकता है, तो अकबर और हेमू के बीच में ये, सॉरी बाबर और जो हमारे के मध्य ये लड़ा गया था बाबर, ठीक है, और सेकंड जो था हमारा हुमायूं हेमू के बीच में ये युद्ध लड़ाया गया था। अब आते हैं दिल्ली, दिल्ली के में जो है हमारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में के बाद हम यूपी का जो एनसीआर रीजन है फरीदाबाद, यार मैं दिल्ली से हम जब भी ग्वालियर के लिए आएंगे तो फरीदाबाद मिलेगा, देन पलवल आएगा, पलवल के बाद यूपी का आगरा सॉरी मथुरा देन आगरा।
आगरा जब आप पहुंच जाओगे, आगरा के बाद सेंटर नेक्स्ट आएगा अपना राजस्थान में, घुसेंगे तो धौलपुर, धौलपुर के बाद मुरैना होते हुए ग्वालियर गए, ग्वालियर से हम झांसी, ललितपुर गया ये रास्ता, देन सागर, सागर के बाद मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, नरसिंहपुर में के बाद सिवनी गए, सिवनी की जो तहसील है लखनादौन, जो जगह बेसिकली काली मूंछ की चावल के लिए प्रसिद्ध है, लखनादौन से सीधे हम नागपुर चले गए। नागपुर जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, और नागपुर में जो नीरी का जो है रिसर्च सेंटर है यहाँ पर, राइट। फिर आदिलाबाद, सिकंदराबाद और हैदराबाद, ये तीनों जो सिटीज पड़ती हैं अपने तेलंगाना राज्य में आती है। सिकंदराबाद और हैदराबाद को जुड़वा नगर के नाम से जानते हैं, ना कौन से नाम से जानते हैं, जुड़वा नगर के नाम से इसे जाना जाता है। हैदराबाद के बाद कुर्नूल गए हैं, यार मैं हैदराबाद के बाद हम कहाँ जाते हैं, कुर्नूल, देन जो है कुर्नूल आंध्र प्रदेश की पहली कैपिटल है। फिर उसके बाद अनंतपुर से होते हुए बेंगलुरु में, अनंतपुर में सोने के भंडार पाए गए जाते हैं। बेंगलुरु के बाद होसुर, होसुर तमिलनाडु में पड़ता है, और मदुरई होते हुए कन्याकुमारी पहुंच जाते हैं। मदुरई किस नदी के तट पर, ये आपसे जरूर पूछेगा, तो बेगई नदी के तट पर है, राइट। और कन्याकुमारी के बाद तमिलनाडु में समाप्त हुआ, तमिलनाडु में 627 किलोमीटर ये बहता है, पहुंचता है, राइट, डिस्टेंस की पड़ती है। तो ये देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कंप्लीट हुआ। मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है हमारा 12, यानी एमपी का थर्ड सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है हमारे पास, 12, राइट, जो नेशनल हाईवे 12, 12A, 12AX, राइट। अब ये है जयपुर से जबलपुर, कहां से जाएगा ये हमारा, जयपुर से जबलपुर जाता है। अब जयपुर से गए हैं हम जबलपुर, में गए जयपुर से जबलपुर तो जाना है, राइट, और जबलपुर अपना यहाँ पर है और जयपुर अपना यहाँ है, राइट। तो आप कैसे, अब दो ही राज्य जा रहे हैं, राजस्थान और जबलपुर, तो हमें राज्य तैयार नहीं करना है, राइट। अब समझ लिए, तो पहले हम पढ़ेंगे नेशनल हाईवे 12 को, क्या पढ़ेंगे अपन, नेशनल हाईवे 12। एक और चीज आपको बताऊंगा, एक गुड न्यूज है आप सबके लिए, कि समसामयिक की मासिक पत्रिका करंट हलचल जल्द ही मार्केट में रिलीज होने वाली है। ये इसमें मध्य प्रदेश का करंट अफेयर और राष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर को सम्मिलित किया गया है। साथ ही मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक मॉडल पेपर और वन सेवा के लिए एक मॉडल पेपर रखा गया है। ये जो है जयपुर नेशनल हाईवे 12, टोंक, टोंक वो जो राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सचिन पायलट यहाँ से आते हैं। बूंदी, बूंदी के बाद कोटा गए हैं, राइट, और यहीं पर जो है अपनी चंबल नदी मिलती है इसी नेशनल हाईवे पर, जहां पर सबसे लंबा, देश का सबसे लंबा जो है रस्सी पुल यहीं पर स्थित है, याद रखना, देश का सबसे लंबा रस्सी पुल जो है इसी जगह पर पड़ता है। आप चलते हैं अपन आगे, राइट। इसके बाद जो है हम चलते हैं झालवाड़ा, झालवाड़ा के बाद राजगढ़ आते हैं, राजगढ़ में मदनावर और खिजलीपुर तहसील के बाद हम ब्यावरा पहुंचते हैं, यार ना ब्यावरा पहुंचने पर यहां से 3 नेशनल हाईवे और 12 नेशनल हाईवे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ब्यावरा को जैसे हमने पहले डायग्राम पढ़ा था, इसे मध्य प्रदेश का चौराहा कहा गया है। इसके बाद ये गुना, देन आपका नरसिंहगढ़, सॉरी नरसिंहगढ़ जाएगा पहले, नरसिंहगढ़ जो है यहीं पर पड़ता है। नरसिंहगढ़ जो का जो किला है उसे हम मालवाए कश्मीर के नाम से जानते हैं, या नरसिंहगढ़ के किले को हम क्या कहते हैं, मालवाए कश्मीर कहा जाता है नरसिंहगढ़ के किले को, राइट। उसके बाद जो है हमारा ये इसके आगे बढ़ते हैं, नरसिंहगढ़ के किले के बाद भोपाल चले गए हैं, राइट। भोपाल के बाद रायसेन, रायसेन होते हुए हम सागर, सागर की तहसील देवरी, जहां देवरी का किला स्थित है, याद रखना देवरी का किला पड़ता है। फिर हम दमोह के तेंदुखेड़ा पहुंचे हैं, तेंदुखेड़ा का किला काफी प्रसिद्ध है, अपना तहसील भी है ये, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किला इंपॉर्टेंट रहता है। देन सापुरा, सापुरा के बाद हम जबलपुर में हमारा ये एंड हो गया है। तो नेशनल हाईवे 12 जो है मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, रखना। तो अभी तो मैंने आपको क्या कराया था, 344-12, यखना 344-12 नेशनल हाईवे है, यखना 344-12 नेशनल हाईवे रखना है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। तो
तो अब चलते हैं अपन अंग की ओर, ये तो आपका इंपॉर्टेंट है ये। अब इसके बाद चलते हैं सापुरा के बाद, अब पढ़ेंगे हम 12AX, यार अपना नेशनल हाईवे क्या है 12AX, राइट। तो ये दूसरा नेशनल हाईवे स्टार्ट करते हैं, ये जाएगा जबलपुर से, आपको झांसी जाना है तो जबलपुर से झांसी कैसे जा सकते हैं, हम जाएंगे दमोह होते हुए, राइट। दमोह जाएंगे जो पीतल की नगरी के नाम से जानी जाती है जगह, याद रखना पीतल की नगरी के नाम से जाने वाला ये शहर है दमोह। दमोह के बाद हम पहुंचते हैं बीना, कहां पहुंचे हैं अपन बीना, बीना के बाद जो है सागर की तहसील है, यहीं पर ओमान की सहायता से हमने एक तेल रिफाइनरी लगाई है। इसके बाद हम झांसी पहुंचते हैं जो महारानी लक्ष्मीबाई का गढ़ कहा जाता है, यहाँ पर जो है आपका झांसी का किला काफी प्रसिद्ध है और मणिकर्णिका मूवी में इसका वर्णन भी किया गया है, झांसी को उसमें दिखाया गया है, राइट। अब चलते हैं अपन आगे, 10 अवतार मंदिर, जैनियों का प्रसिद्ध 10 अवतार मंदिर है वो हमें झांसी में मिलता है। अब चलते हैं नेशनल हाईवे 12A, नेशनल हाईवे जो 12 है जबलपुर मंडला, मंडला के बाद जो है डिंडोरी, डिंडोरी के बाद छत्तीसगढ़ के कबीरधाम तक जाता है और कबीरधाम की तहसील चिल्पी जो इसी पर टच है, या ना चिल्पी तक गया है और नेशनल हाईवे कौन सा है ये 12A, राइट। दोस्तों आज अपने 5 नेशनल हाईवे पढ़े, कल जो है हम इसके आगे के नेशनल हाईवे पढ़ेंगे और ये थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, कल की क्लास आपकी जो रहेगी 8 घंटे की क्लास रहेगी और ये कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आपको कैसा लगा इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।